और टाइम हो चुका है जी 10:36। तो ये हालत है जी बारिश की। हाँ जी, चाय ले ली है जी मैंने भी और बेगम के लिए लेके आया। ये सारा पंगा आपका है आधी रात को सफर करने का, अब खड़े हो ना यहाँ पे बारिश में। अच्छी, तो हमारा वापसी का रास्ता शुरू और हम सीरी पाए मेडूज वगैरह सारा घूम घुमा लिया और भाई साहब के साथ हमारी ये इंशाल्लाह जिंदगी बखैर लास्ट मैसेज है। तो अगर आप लोग चाहते हैं इस जीप पे सफ़र करना इस जगह पे, तो भाई साहब अपना नाम भी बताएं, अपने नंबर भी बता दें। अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा नाम सकलैन है, मैं यहाँ का मुकामी हूँ माशाल्लाह। और ये अच्छी तरह गाइड भी करते हैं आप लोग, गाइड भी करेंगे सारी चीज़ें बताएंगे भी सही इंशाल्लाह। और यहाँ शुक्र है तो इनके जो कॉन्टैक्ट ये बता रहे हैं उस पर रब्ता करें तो ये आपको मुलाकात करेंगे। 03451561396 ये मेरा नंबर है, जब भी आए इंशाल्लाह रब्ता करें, आपको अच्छे पॉइंट विजिट करवा के वापस इंशाल्लाह छोड़ेंगे। बाकी ये भाई ने सफ़र किया है, पूछ सकते हैं आप इनसे। नहीं नहीं, बहुत ज़बरदस्त हमारा सफ़र गुजरा, बहुत ही कॉपरेटिव और सुलझे हुए बड़े दिखे नौजवान हैं माशाल्लाह से जी। तो हम बालाकोट आ गए वापस, तो अब वापस ही होना है ना, जहाँ से आए थे वहीं वापस। बस आप लोग दुआ करें हम लोग खैर फ्री से आ जाएंगे। गाड़ी धुलवाई है हाँ जी, और पैसे हमारे पास फिर से खत्म हो गए हैं, हमने फिर से बालाकोट से पैसे लेने हैं। हाँ जी बिल्कुल, जाते हुए भी हमने लिए थे, अब आते हुए भी लिए लेने पड़ेंगे बिल्कुल। अब ये देख लें कि जाते हुए मेरे पास खत्म हो गए थे बालाकोट में, तो बालाकोट से मैंने लिए थे 40,000 रुपए, वो भी खत्म हो गए और वापस अब फिर निकलवा रहे हैं। तो ये देख लें बालाकोट से अगला और यहाँ तक बालाकोट का ये 40,000 का ट्रिप नहीं पड़ गया। ठीक, तेल भी डलवाना भी, अभी और पैसे भी लेते हैं। हाँ जी, पैसे निकलवा लिए, 20,000 अभी निकलवाया। ठीक, तो देखते हैं कहाँ तक चलता है। हाँ, ये कहाँ तक चलता है। हाँ जी, और ये शहरी देख लो एवं घुस गया दरमियान। अभी हम वापसी पे रुक गए पेट्रोल पंप पे PSO, और यहाँ से अभी डलवाना है हमने तेल। तेल भी हो गया जी बड़ा महंगा, बहुत महंगा, बहुत महंगा, अब आता ही नहीं है पैसों से, तो आता ही नहीं है, कुछ और ही देना पड़ेगा अब पेट्रोल लेने। नहीं आता पैसे, बहुत मुश्किल हो गया। खैर डलवाते हैं जैसे पैसे, अब घर तो जाए ना, उसके बाद गाड़ी को संभाल के रख देते हैं। हाँ, डब्बे में मार के जी। तो बालाकोट ख़त्म हो गया है और अब हम बालाकोट से बाहर आ चुके हैं, और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे वापस आते जा रहे हैं, गर्मी होती जा रही है, पसीना शुरू है, पता लग रहा है पसीना भी कोई चीज़ होती है। नहीं नहीं, पसीना शुरू है। बालाकोट में अच्छी खासी गर्मी थी। अच्छा जी, तो अब हम आ गए हैं किस पे? ये मानसेरा से हम ना सी पैक पे चढ़ गए हैं। अच्छा, मोटरवे पे। तो ये उसका टर्मिनल है, हाँ, मतलब वो क्या कहते हैं, टूल प्लाजा। सही है। ये आगे आगे इस्लामाबाद अब्दाबाद। हाँ जी, इधर है बट ग्राम। हम सुबह के निकले हुए हैं, सारा वो उधर से घूम, पहले तो हमने रोड़े ठोड़े खाए हैं उधर से, फिर वहाँ से हम यहाँ पे मानसेरा आए हैं और यहाँ पे आ गए। अब रोड आपको खुद ही नजर आ रहा है कि क्या बात है। हाँ जी, सी पैक जिंदाबाद। सी पैक का मतलब है चाइना पाक, चाइना पाक कॉरिडोर। अच्छा, कोई शाता हो सी यार। अच्छा, बस हमें तो सड़क मिल गई है ना। तो जी मौसम ठंडा हो
हो चुके हैं और हम अब एबटाबाद से भी निकल आए हैं। ऐसे ही ऐसे ही ऐसे ही ये हम सी पैक पे हैं। और आपने चाय भी पी ली है? चाय भी मैंने पी ली है, तंदूरी चाय। तंदूरी कितने में पी है? 120। सही मिल गई है? हाँ सही है। चाय का मतलब फुल मग्गा भरा हुआ था ना वो तंदूरी वाला। ये हम सी पैक भी हैं और ये हम अब सीधे ही इंशाल्लाह अल्लाह खैर और हम इस्लामाबाद पहुंच जाएंगे, फिर वहां से देखेंगे क्या। हाँ वहां पे फिर देखेंगे कि सीन क्या। हिम्मत साथ देती है, जवान की हड्डी पसली निकालती है। चलें जी चलते हैं। और ये हमारे साथ देख ली साइडों पे इन्होंने ना बनाई हुई है, ये बहुत ही प्यारी दोनों तरफ। हाँ ये वो लैंड स्लाइडिंग के लिए बनाई है लेकिन बड़ी खूबसूरत करके बनाई है। ये आगे सारी बनी हुई है? हाँ सारी ये बनाई हुई है, मजे की है। बस इसमें ये है कि पौधे वगैरह जैसे आप उग जाएंगे ना या कुछ लगा दें तो खूबसूरत हो जाएगा और भी नज़ारा। बादल बन गए, काफी ठंडा मौसम हो गया। साढ़े पाँच हो गए और हम अभी निकले और टनल सामने आ रहा है, शहरी का टनल आ गया। मेरा भी ये फ्रेज और शहरी दोनों भाइयों का टनल आ गया। एबटाबाद टनल। हाँ जी, लंबाई 394 मीटर। ये गलत टनल है, उधर से रेड है ये ग्रीन है। टनल के अंदर स्पीड कम रखें। पाक चाइना फ्रेंडशिप है। शुरू में तो हो जाता है अंधेरा लेकिन रोशनी है अंदर। वो बड़ी लंबी थी उधर वाली। हाँ वो तो बहुत लंबी थी भाई, हमारा तो अपना दिल नहीं भरता देख देख के यहाँ के नज़ारे। ऐसे ही है, चाहे कोई कहे कि बच्चा है, बच्चों की तरह हरकतें कर रहे हैं या ये है। दूसरा टनल आ गया जी, ये बड़ा लंबा है। ये कितना है? 1765 मीटर। शहरी रुकना भी नहीं है। एबटाबाद टनल नंबर 1। बड़ा लंबा टनल है, फुल लंबा टनल है। चलते जाओ। यहाँ इसके अंदर एक और तरह की आवाज़ पैदा होती है। अच्छा ये उतराई भी है इसमें, ये नहीं कि भाई ये सिर्फ इसमें उतराई भी है। हाँ जैसे रोड पे होती है ऐसे ही है। एक्साइटेड थे जब फर्स्ट टाइम देखा था ना। और क्या, हमें लगता था हमने ये देख लिया, हमारा सफर पूरा हो गया। मजा आ गया। पंख लगे हैं हवा निकालने के लिए अंदर, भाई हवा ना बंद हो जाए। लो जी आ जाता है एकदम। हाँ बाहर अजीब सा हो जाता है। एक और दुनिया से बंदा एक और दुनिया में चला जाता है। वाह 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 क्या बात की है, क्या बात की है, वाह। अच्छा अभी हम रुके हैं जनाब जी चक्री अपना क़यामत आम पे और मौसम आप देखें, फिर बादल गरज रहे हैं, चमक भी रहे हैं और बारिश हल्की सी। हाँ हो सकता है अभी वो, लेकिन हवा काफ़ी तेज़ चल रही है और गरज चमक काफ़ी ज़्यादा है। अभी हमने फिर ये सोचा कि यहाँ पे खाना खाते हैं और खाना खाने के बाद देखेंगे आगे का प्लान क्या बनता है, क्योंकि मौसम भी काफ़ी ख़राब है और तकरीबन हाँ हमने ये भी सोचा कि क्यों ना हम आपको आखिरी बारिश ही दिखा दें, बादल ही दिखा दें। यहाँ ठंडा मौसम है, भी हवा चल रही ठंडी है। जब हम गाड़ी से उतरे हैं ना तो एक मतलब
क्या अच्छी फील आई है। चलो आखिरी आखिरी है, कहाँ पे अभी हमने खाने का ऑर्डर दिया आगे वो, और वहाँ पर बेगम बैठी है, और अभी ऑर्डर पे क्या दिया, चिकन मंचूरियन, राइस और शहरी की फ्राइज। अच्छा, काफ़ी है मेरे घर में है, लाइट लाइट है, और हमने काफ़ी मेरा मूड तो दाल चावल खाने। और वैसे मैं कहता हूँ दूध वाले को भी उधर अपने गांव फ़ोन कर दूँ हूँ कि कल के लिए दूध रखे हैं हमारा। हाँ ये भी सही है। वैसे मेरा तो मूड दाल चावल का था। दाल चावल का था, बड़ा दिल का। चलो घर जाके आप अपने हाथों से बनाना ना, वो मजे को होगा। ये भी सही है, ये मेरा सैलेड आ गया है, इतना सा। खाना भी आते हैं, खाना खाते हैं, फिर इंशाल्लाह आगे सफर करते हैं आहिस्ता आहिस्ता। जुरेज का बर्गर और फ्राइज, शहरी की फ्राइज। हाँ जी, और आपका ये सैलेड है, राइस है, और ये मंचूरियन, मंचूरियन ना। हाँ जी, खाना शुरू। ये तो हमारी लास्ट बारिश और ठंडी हवाएं है कलर का हार के। तो उसके बाद हमारा घर बात हुई थी, तो वो कह रहे थे बहुत गर्मी है और बहुत ही वहाँ पे लोड शेडिंग भी है और गर्मी भी है, ना कोई बारिश है ना कोई हवा है। तो चलते हैं हम भी, देखते हैं गर्मी कैसी लगती है, ठीक है ना। तो ये ठंडी ठंडी हवा बस आखिरी बार ही है। लाइट बंद हो तो शायद नजर आए, है ना। अच्छा, ये ना स्पीकर करना बंद करे। हाँ बोलो। अच्छा जी, ये हम सियाल के यहाँ उद्याम पे आ गए हैं और वापसी के सफर में, और बारिश बड़ी यहाँ तक तकरीबन बारिश में ही सफर किया सारा। हाँ जी बिल्कुल, बारिश और आंधी है रास्ते में बहुत ज्यादा। और टाइम क्या हो गया है, टाइम हो गया जी 10:30 बज गए। 10:30 बन गए, बज गए अभी हमारा 1.5-2 घंटे का सफर पड़ा है अभी, 2 घंटे का है। तो आपको मौसम भी दिखा देंगे, देखिए अच्छा जी, अभी हम आ चुके हैं सियाल के आम उत्याम। यहाँ पे बारिश बहुत तेज़ हो गई थी, और फिर हमने यही सोचा है कि थोड़ा सा रेस्ट कर लें, यहाँ बारिश बहुत ज़्यादा थी। हाँ, यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा बारिश हो गई थी, बिल्कुल ही ना, वाइपर भी जवाब दे रहा था, मुसलसल हिलाने से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था क्योंकि बारिश थी। तो बेहतर यही है कि थोड़ा सा रेस्ट कर लिया जाए, और टाइम हो चुका है जी 10:36। तो ये हालत है जी बारिश की, खैर अल्लाह खैर करे जी। यहाँ पे ये देखिए, ये सब लोग गाड़ियों से उतर उतर के ना। हाँ जी, चाय ले ली है जी मैंने भी, और बेगम के लिए लेके आया। ये सारा पंगा आपका है आधी रात को सफर करने का, अब खड़े हो ना यहाँ पे बारिश में। वो बारिश कुदरती आ गई है ना, तो बारिश कुदरती नहीं, वहाँ से चली हुई है बारिश। चलो कोई नहीं है, हम गाड़ी में ही बैठे हैं ना। हाँ, सब लोग ये गोडे थक गए बंदे के ना। ऐसे लंबी कर लो ना चेयर। नहीं मैं नहीं कर रही, मुझे नहीं वो अच्छी लगती। तो सभी लोग चल रहे हैं, ये देखो सभी लोग ट्रेवल कर ही रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं। तो चाय है जी, चाय पीते हैं, चाय के बाद इंशाल्लाह निकलते हैं। बारिश अब कुछ थम चुकी है पहले से। हाँ जी बिल्कुल।
तो निकल जाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा जी, तो टूल प्लाजा आ गया है और अब हमने यहाँ से कहाँ जाना है? सीधा अपने घर। सीधा अपने घर पहुँच गए, आपने तो लंबी सांस ली है। ये टूल प्लाजा आ जाए ना तो हमें लगता कि घर, अभी हम फैसलाबाद वाले टूल प्लाजे पे हैं, M4 पे। हाँ हाँ, घर नहीं है अभी, घर नहीं है फिर। लेकिन फिर भी एक आस उम्मीद लग जाती है ना यहाँ पे आके। अच्छा चलो ठीक है, अब हम फैसलाबाद से एग्जिट होने वाले हैं उस रोड से, है ना। और बारिश यहाँ तक आ गई है, अभी भी है, अभी भी है। तकरीबन हमारा सारा जो सफर है ना बारिश में गुजरा है। और अभी टाइम हो गया 11:50, बाहर कुछ भी नहीं नजर आ रहा, बारिश ही बारिश है। हाँ, बारिश तकरीबन हमारे साथ ही रही है। अच्छा जी, तो प्रदेश खत्म हो गया है और देश आ गया है। देश आ गया। हाँ जी, परदेसी अपने देश में आ गए हैं। असल में हम अपना थोड़ा सा जो है ना इंटरचेंज है उसको तब्दील किया है। हमारा असल में इंटरचेंज तो भी गुजर गया जिस जो हमारा करीब तरीन है, लेकिन हमने उसको छोड़ के उससे अगले इंटरचेंज से उतरेंगे, वो हमें 35 किलोमीटर आगे जाना है। अच्छा। तो वो चूँकि रात का टाइम है ना तो इसलिए सोचा है कि वो ज़्यादा महफूज है। तो ये वाला जो इंटरचेंज है ना, ये इसका अगला रास्ता हमारा थोड़ा सा बेईमान सा है, बेहतर है कि बंदा वो अच्छे वाले की तरफ जाए। तो हमारा इंटरचेंज आ चुका है और टाइम बच गया 1:45। देख लो आपने हमें रात कितनी देर टाइम सफर करवाया है। देख लो, तो अब हम अपने घर की तरफ रवा दवा है, है? सही कहा है ना? बिल्कुल। यहाँ से अब हम अपने सिटी में दाखिल हो जाएंगे बस इसी टर्न के बाद, एंड हो गई। हो गई और अब हम टूटी भजी सड़क पे आ जाएंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह ताला। जी तो ये हमारा रोड है, मेन रोड सुनसान है। माशाल्लाह, बड़ा डर डर के हमने यहाँ गुजारा है। अल्हम्दुलिल्लाह जी, हम अपने रोड पे मुड़ चुके हैं और टाइम बच गया है 2:20। टाइम काफ़ी हो चुका है लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम अपने घर खैरियत से। ये वही रास्ता है जिस पे कभी हम आया जाया करते थे और अक्सर आप लोग इस रास्ते को देखते भी हैं। हाँ जी, सब तो अल्हम्दुलिल्लाह मोबाइल के हिलने की स्पीड से भी पता लग रहा होगा। आराम से चलाओ, आराम से। वैसे मैं रात के सफर के हक में कभी भी नहीं हूँ, दिन में कर ले। थोड़ा सा असल में ना हम 10-11 बजे तक पहुंच जाते ज्यादा इजी था। मौसम भी बहुत खराब, समय समय की खराबी बनी है सारी, जो रास्ते का मौसम था ना उसने बड़ा खराब किया। बड़ी बारिश आ गई, बड़ी बारिश। अब पता नहीं घर में क्या सिचुएशन होगी, पता नहीं। लगता तो है लाइट है। सबसे बड़ी बात यह है कि हमारी गाड़ी ने हमारा बड़ा साथ दिया है, कहीं पे भी धोखा नहीं दिया। जहाँ भी गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह जैसे गई थी वैसे ही आई है। बस अब इसकी सर्विस करवाएंगे हम इस जारी बात है, काफी सारी चल चुकी है, बहुत ज्यादा चल गई है। और बस ये हमारा मोड़ है और ये सामने हमारा घर है। बिल्ली हमारे इंतजार में जाग रही है, बैठी है, इसने हमें वेलकम किया है। हाँ, बिल्ली तो जाग रही थी ना।
काफी दिनों बाद जब बंदा घर आता है ना, ऐसे ही होता है, तो दिल्ली भी अच्छी लगती है। हमारे घर की लाइटें जल रही हैं। जल गई है, जला दी होंगी ना। चाबी कहाँ पे? इधर है मेरे पास, ये पकड़ो आप। हाँ जी, किस किस को ये गली याद है? काफी दिन हो गए ये गली, हमें तो बड़ी याद आ रही है। ये सियाल हाउस है। ये घर है और यहाँ पे आई है आंधी है, तो सवर गेट खोल रहे हैं। वेलकम बैक टू पुराना घर। लैंड कर गए हैं हम पुराने घर में। चलो, शहरी गाड़ी में है और ये सुरेश है। घर की क्या सूरत हाल है ये तो फिर हम नेक्स्ट वीडियो में ही बताएंगे। हाँ, लेकिन जरूरी बात है, सफाई सफुई तो सारा सीन होगा यहाँ पे। हाँ, तो इजाजत दीजिए, तो हम याद रखिए। हाँ, आप लोग हमारे साथ रहे, आपके प्यार का ढेर सारा शुक्रिया। हाँ, और अगले व्लॉग तक अल्लाह हाफिज़।